हेलो नमस्कार, हेलो जी नमस्कार, हेलो हेलो, आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम राधा सिंह है। क्या समस्या आपकी? जी राधा सिंह है। हाँ, आपका प्रॉब्लम क्या है बताइए। जी मेरे मिस्टर का कमाई में ना बिल्कुल बरकत नहीं है, बहुत कर्जा हो चुका हम लोग का, और मेरे 4 साल हो चुके शादी को, एक भी बच्चे नहीं। ओहो, आप अपनी उम्र बताएंगे? जी आपकी उम्र? उम्र मेरी 26 साल। 26। और पसंदीदा रंग बताइए। कोई बात नहीं, आपकी समस्या हम तक पहुंच रही है। आप टीवी देख रहे हैं आचार्य जी, इनका कॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो टीवी देख रहे हैं, जरा बताइए क्या है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार आज सिंह ने हमारे सामने अपना प्रश्न रखा कि उनको बिल्कुल आपका फेवरेट रंग, मेरे ख्याल में बताया कि पिंक आप गुलाबी रंग को बहुत पसंद करते हैं। आपको एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने अपने जो आपका पति है, आपके मिस्टर हैं, उनके हाथ पे, बाएं हाथ पे आपने एक काले कपड़े में थोड़ी सी फटकड़ी लपेट करके बांध दें, शनिवार के दिन तकरीबन 5 शनिवार आप ऐसा करें। और जब आप जो कपड़ा और जो फटकड़ी आपने एक बार यूज़ कर लिया, प्रयोग में ला चुके हैं, उसको दोबारा प्रयोग में आप ना लाएं। और दूसरा, जब भी आप रात में सोएं तो तकरीबन 17 दिन का गैप रखें, उसमें आपने खरबूजे के बीज खाने हैं, मतलब थोड़े से खरबूजे के बीज ग्रहण करके आप सोएं तो जरूर आपको आपको पुत्र वर की प्राप्ति होगी। और दूसरा ऐसा होगा कि जिन मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये मेरी आशाएं आपके साथ हैं कि उपाय जरूर फलदायी होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी ही समस्या है, आपके समक्ष भी कोई ऐसा ही प्रश्न है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कोई बाधा होती है, हम काम बहुत करते हैं, हमें काम का श्रेय नहीं मिल पाता, हम कार्य करते रहते हैं, उसका लाभ कोई और ले जाता है, थोड़े से उपाय करने से वो समस्या दूर हो सकती है। और ये टीवी शो बनाया गया सिर्फ आपके लिए है। अगर आपकी कोई समस्या है, आम आदमी की समस्या को दूर करने के लिए हमारा यहाँ पे प्रयास रही रहता है कि हम आपकी जो चेहरे पे खुशी ला सकें और आपकी हर समस्या को आपसे दूर कर सकें, आपकी हर समस्या का एहसास करके हम उसे सॉल्व करते हैं। अगर आप टीवी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं तो अपनी समस्या हमारे समक्ष रखिए, हम आपकी समस्या का हल आपको जरूर देंगे। एक घरेलू सा उपाय आपके जीवन में बदलाव ला सकता है।